रामनगरी अयोध्या में भी शुक्रवार यानी 16 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। डीएम अनुज झा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ये फैसला लिया जा रहा है। जनपद में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हो गए हैं, जिसके कारण रात की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित की जा रही है। अयोध्या में कोविड के सेकेंड वेव के क्योंकि काफी केसेस आ गए हैं और टोटल जो एक्टिव केस है वो लगभग 1000 से ज्यादा हो गई है। इस पर इसको देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है। एक तो आज से रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा अयोध्या के अंदर, और ये जो समय है इसमें आवश्यक सेवाओं का संचालन तो होगा, लेकिन जो उसके अलावा जो आवागमन है या जितने भी हमारी मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं वो रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। इस बीच का जो अवधि है इसका प्रयोग डिसइंफेक्शन और इस तरह की जो साफ सफाई की गतिविधियाँ हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा अयोध्या धाम में जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए उनके लिए कोविड नेगेटिव का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अनिवार्य किया गया है, अन्यथा की दशा में बिना एंटीजन से टेस्ट कराए हुए मंदिरों में दर्शन के लिए जो है प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। डीएम अनुज झा ने बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आएगा उसे अपनी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, तभी उसे अयोध्या के मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। बताया कि 21 अप्रैल को रामनवमी है, जिसको लेकर श्रद्धालु देश के कोने कोने से अयोध्या पहुँचते हैं। पिछले वर्ष भी रामनवमी का मेला नहीं लग पाया था और इस वर्ष भी रामनवमी का मेला नहीं लग रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ अयोध्या के साधु संतों ने भी अपील की है कि वे अपने घरों में रहकर ही भगवान राम के प्रति श्रद्धा अर्पित करें।